Hey guys, मेरा नाम है शाकिब, आप देख रहे टेकू पर। इस वाले वीडियो में बात करेंगे गेमिंग ईयरफोन्स के बारे में। वायरलेस गेमिंग ईयरफोन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लेटेंसी को कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, और इसीलिए एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड विंग्स है, ये लेके आ रहे हैं अपना फैंटम 1000। मस्त ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सही डिजाइनिंग करते हैं भाई ये ब्रांड। और अगर बात करते हैं फीचर्स के बारे में, डिटैचेबल माइक है इसके अंदर, 40 मिलीसेकंड का लेटेंसी है जो कि ट्राई करेंगे हम लोग। ईयरफोन्स पे ऐसे एलईडी लाइट्स भी हैं, ब्लूटूथ टाइप सी प्लस, 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, ऑलमोस्ट 2.5 दिन। इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा भाई, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये क्या है भाई, मस्त चमक रहा है। तो ये है अपना मेन कंटेंट भाई, देखने में काफी हेवी सा लग रहा है, नेक बैंड काफी सॉफ्ट है, और ये है इनका मस्त चमकता हुआ कागज पत्तर, और इसके अंदर होने वाला है डिटैचेबल माइक अपना। सो ये है डिटैचेबल माइक जो कि, और क्या है, एक्स्ट्रा टिप से टाइप सी केबल है इसके अंदर, और ये है 1 ईयर की गारंटी मिल जाएगी। वारंटी कैसे क्लेम करना है आपको बताऊंगा वीडियो में, मेरे को खुद नहीं मालूम अभी तक कैसे क्लेम करना है, बात करके बताते हैं आपको। सो ये है अपना फैंटम 1000 भाई, ये थोड़े से तो हेवी लग रहे हैं देखने में, कैसा लग रहा है? गेमिंग वाइब आ रही है, गेमिंग वाइब लग रहा है थोड़ा सा। तो डेफिनेटली गेमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो गेमिंग वाइब डाल दिया इसके अंदर। और इसकी जो प्राइसिंग है ये आपको 1500 रुपीज है, और 1500 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा गेमिंग ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलते आपको, तो यहाँ पे उसको टेस्टिंग करेंगे क्या परफॉर्मेंस आता है। और उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फर्स्ट 1000 कस्टमर को 999 में मिलने वाला है, तो कोई बात नहीं, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, आपको खरीदना भी तो है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, जो इसका नेक बैंड पूरा रबराइज्ड है, और भाई इसके अंदर कुशन फील होता है, देखो आप, मैंने कुशन वाला सिस्टम पहली बार देखा है भाई, और काफी तगड़ा लग रहा है मेरे को। डेफिनेटली इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझको, और देखते में जितना ज्यादा हैवी है उतना हैवी नहीं है बिल्कुल, और काफी पतली से यहाँ पे वायर है। वायर की क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी मेरे हिसाब से, और ऑन करते इसके अंदर बत्तियां जलने वाली है भाई, वो भाई पूरा बोलता है, काफी लंबा बोलता है पावर ऑन, यू रेडी टू फील इट, रेडी टू स्टार्ट, बहुत कुछ बोला भैया ने। अभी ये पेयरिंग मोड पे, तो आप देखोगे यहाँ पे डिंग 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 कर रहा है, एक बार इसको कनेक्ट करते हैं, काफी ज्यादा डिवाइस है भाई, फैंटम 1000 दिख गया यहाँ पे, क्लिक किया 2 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, बहुत ही फास्ट है भाई, बोलता है कनेक्टेड योर ऑल सेट, बहुत बोलता है भाई ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 बटन देखने को मिलते हैं, पहला वाला जो पावर बटन है, उसके बाद वॉल्यूम रॉकर से, और ये है गेमिंग मोड को टर्न ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले बात, अंदर जो भैया बैठे हुए हैं इनकी आवाज बहुत तगड़ी है भाई, एक बार आप प्रेस करोगे इस गेम टाइम स्क्वाड बोलता है, फिर क्लिक करो एग्जिटिंग गेम मोड करता है, प्रेस एंड होल्ड करो इसकी बत्तियां बंद हो जाएंगी, प्रेस एंड होल्ड करने से इसकी बत्तियां ऑन हो जाती हैं। इसका ये जो फंक्शन बटन है थोड़ा सा डिले काम करता है मेरे हिसाब से, एक दो दिन और ट्राई करते हैं आपको, अभी एक गेम खेलते हैं गेम मोड पे, चलो ट्राई करते हैं एक बार। और जो इसका डिटैचेबल माइक है इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लाइक इसका स्टीरियो इफेक्ट बहुत तगड़ा है, फुल वॉल्यूम पे बहुत तगड़ा इफेक्ट आ रहा है, भागने बहुत तेज है भाई, मार तो रहा है, जीत रहे हैं, वी आर ऑन फायर, आ जाओ मेरे को मारते, 2 किल निकाल लेंगे, जीत गए ना भाई। भाई फील तो आया यार, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फर्स्ट गेम एक्सपीरियंस, पहले तो जो सराउंड साउंड इफेक्ट आता है वो, वॉल्यूम काफी ज्यादा अच्छा है, बेस तो काफी तगड़ा है, मेरा हल्का सा एयर पेन हो रहा है, मैंने फुल वॉल्यूम में खेला है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन भाई अभी और गेम खेलना बचा हुआ है, एक दो दिन और यूज करते हैं। इसकी बैटरी लाइफ चेक करते हैं, कितना बैटरी लाइफ है इसके अंदर, अभी बैटरी लाइफ इसकी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 80% है अभी, तो 80% के हिसाब से 2 दिनों चलना ही चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करेंगे और आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है, और इसकी माइक की क्वालिटी भी चेक कराएंगे, आपको मिलते हैं 2 दिन के बाद। सो कंप्लीट 2 दिन तक यूज करने के बाद अब बात करते हैं इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में, कि कैसा एयरफोन है ये। सबसे पहले बात इसकी प्राइस कंसीडर करते हैं 1500 रुपए, और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी, मैं इसको नहीं कहूंगा, इसको एक नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी है फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 1500 रुपीज। देखने में थोड़ा सा बल्की लगता है, लेकिन भाई पहनने वहनने में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपकी आंखें यहाँ तक नहीं जा रही, तो आपको नजर नहीं आता कि आपने क्या पहना हुआ है, सामने वाला शायद आपको बोल सकता है भाई इसने क्या ऐसा मोटा सा पहना हुआ है, थोड़ा सा गेम वाइब है इसके अंदर इसीलिए। और गेम वाइब ऑन करने के लिए इसके अंदर जो ये बटन है, इसको आप सिंपली ऑन कर सकते हो यहाँ से, और मैंने इसको अपने आईफोन में कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि अपने प्राइमरी डिवाइस में म्यूजिक व्यूजिक सुनना था मुझको। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी फिटिंग के बारे में, देखो फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा है मुझको, और इसकी फिटिंग के बाद हल्का सा नॉइस भी कैंसिल होता है, इसका जो एयर चैम्बर हल्का सा टिल्ट है, इसके वजह से कान में काफी अंदर तक घुस जाता है, और भाई आपको अच्छी फिटिंग देता है डेफिनेटली। और अगर बात करते हैं माइक के बारे में, तो माइक को आपको थोड़ा सा अच्छे से फेस के सामने अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। माइक में भी पूरा ऐसे गेमिंग वाला कटवर्ड दे रखा है इसमें, और ये है इसका माइक्रोफोन, इसको आपको अपने फेस की तरफ अलाइन करना है, उसके बाद ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। और एक बार माइक की क्वालिटी चेक कराते हैं आपको, आईफोन का जो वॉइस मेमो एप्लीकेशन होता है उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक बार देख लो, कुछ
कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, अब देखो। तो ये जो आवाज सुन रहे हो ये है विंग्स फैंटम 1000 पे, इसके माइक के सामने सामने से आ रहा है और मैंने ट्राई कर रखा है भाई, काफी सही माइक है इसका फॉर द प्राइस पॉइंट। और डेफिनेटली मैंने पहली बार ट्राई किया कि वायरलेस एयरफोन के अंदर डिटैचेबल माइक है। और एक बार इसको निकालते हैं माइक को, अब आप आवाज सुन रहे हो बिना माइक के फैंटम 1000 से। माइक की क्वालिटी स्टिल अच्छी है लेकिन भाई जब दिया हुआ है तो इसको लगा लेते हैं ना। लेकिन इसके माइक के साथ जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, इसको एक बार आपको हल्का सा सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, उसके बाद ये सही काम करने लगेगा। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप इसको निकाल के एज अ नॉर्मल एयरफोन यूज करोगे और इसके म्यूजिक क्वालिटी में बताऊं, डेफिनेटली इसका जो बेस है काफी अच्छा लगा है। बेस हेवी एयरफोन्स में जो कह सकता हूं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्ट होता है म्यूजिक एक्सपीरियंस में। इसके अंदर 13mm का ड्राइवर है, जब भी ड्राइवर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है तो भाई साउंड का बूम बम बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। डेफिनेटली वही सेम चीज इसके अंदर मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो गेमिंग में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। एक बार भाई अपने आईफोन में भी पबजी खेलते हैं, आपको लेटेस्ट दिखाते हैं इसका। तो पबजी हमने ऑन कर लिया अपने आईफोन पे, एक बार आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स इसका कितना है। इस डायरेक्शन पे खेल रहे हैं अल्ट्रा एचडी इसके अंदर है, अप्लाई कर देते हैं। और ब्लूटूथ में अपना फैंटम 100 कनेक्टेड है इसके अंदर और इसका गेमिंग मोड भी ऑन है, तो काफी क्लोज रखेंगे माइक से हम लोग ताकि आपको भी आवाज सुनाई दे कितना ज्यादा कम लेटेंसी है इसके अंदर। साउंड का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग आता है कि गेम खेलने भाई मन ही कर जाता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा पबजी नहीं खेलता लेकिन मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है गेम खेलने में। तो गेमिंग के लिए तो काफी ज्यादा तगड़ा है और इसकी बैटरी लाइफ लिटरली 2 दिन आराम से चली है और अभी तक मैं इसको चार्ज वार्ज भी नहीं किया है, ऐसे लाइट वेट जलता रहता है। तो अगर मैं कंपाइल करूँ इस वाले प्रोडक्ट को तो देखो इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी फॉर द प्राइस पॉइंट काफी अच्छी है। और अगर आपको 999 मिल रहा है तो भाई तगड़ा रहेगा आपके लिए। लेकिन अज्यूम करते हैं कि 1500 की प्राइसिंग है, उसके बाद भी भाई इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस डिलीवर हो रहा है बहुत ही अच्छा है। और माइक की क्वालिटी आपने सुना, मैंने सुना, बहुत ही ज्यादा अच्छा है वहां पर भी। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोडक्ट है, म्यूजिक के लिए भी आप ले सकते हो। लेकिन फॉर द प्राइस पॉइंट म्यूजिक के लिए और अच्छे एयरफोन सबको अवेलेबल है, जो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको चेकआउट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक यूज करोगे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। और इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई पबजी खेलो, हम भी खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।